नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा, प्राचीन भारत का जो हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, उसका वीडियो नंबर 17 होगा ये। आज के इस वीडियो में जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग अलग फोल्डर हैं, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपकी मनचाही। और जो हमारा फेसबुक पेज है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर लाइक करके आप लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं कौन से सिक्के हैं, जो प्राचीनतम सबसे पहले प्राप्त सिक्के हैं इनमें से, तो चांदी के थे। जो प्राचीनतम सिक्के थे ना, वो पंच मार्क उन्हें कहा जाता था, पंच मार्क सिक्के कहा जाता था, जो कि चांदी के बने हुए थे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से चांदी का सही आ जाएगा। ये पंच मार्क सिक्के इसलिए इन्हें कहा जाता था क्योंकि इस सिक्कों के ऊपर जो है ठप्पा मार कर निशान लगाया जाता था, इसलिए इसे पंच मार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता था, आहत सिक्के। ठीक है, ये जो सिक्के हैं दोस्तों, छठी शताब्दी से लेकर जब मौर्य साम्राज्य जो है स्टार्ट हुआ उसके बीच में ये पाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पे दोस्तों? कलिंग में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? कलिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख था, कौन सी? खारवेल की हाथी गुफा, हाथी गुम्फा या गुफा अभिलेख जो है उससे ये मालूम पड़ता है कि जो नंद राजा महापद नंद थे ना, उन्होंने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस अभिलेख से उनको मालूम पड़ता है कि नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा जो है वो उठा ले गया और उसके बाद कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो ये जो है कलिंग में हुआ था, ये जो नंद राजा के आदेश से ये नहर खोदी गई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो दोस्तों उज्जैन का जो है प्राचीन काल में जो नाम था वो अवंतिका था। तो आप जानते होंगे उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में जो है उज्जैन पड़ता है, और ये 16 महाजनपद थे उनमें से ये एक था, इसको अवंतिका भी कहा जाता था। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों जो अवंती की दो राजधानियां थी उनमें से ये एक था, इसको अवंतिका कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के दोस्तों संस्थापक जो है वो उदयन थे। ठीक है, जो ये उदयन थे ये अजात शत्रु के उत्तराधिकारी थे। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है वो अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन थे, और इन्होंने जो है ना गंगा और सोन के जो संगम स्थान है वहाँ पे एक किला बनाकर जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और इसने ये भी किया था, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगिरी से इसने क्या कर दिया फिर? पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक है, और यह पाटलिपुत्र ही जो है शिशुनाग जो वंश आएंगे, नंद वंश आएंगे और मौर्य वंश जो है इनकी भी राजधानी रहा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में जो है मौर्य सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने यहाँ पे तीसरी बौद्ध संघ थी जो कि 250 ईसा पूर्व लगभग जो है यहीं पर वो करवाई थी। ठीक है, और जो प्रथम जैन सभा थी वो यहीं पर हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो मैंने आपको बता ही दिया, उदयन जो थे उन्होंने जो है इसको पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसी को पहली राजधानी जो है सर्वप्रथम इसको राजधानी बनाया, राजगिरी से हटाकर इसको राजधानी बनाया। मगर ऑप्शन में देखिए कहीं भी उज्जैन नहीं है, तो इसके हिसाब से जो है चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है इस तरीके से पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उज्जैन ने बसाया था। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें ये सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से? दोस्तों इसका आंसर है उज्जैन से। तो उदयन वासवदत्ता की जो दंत कथा है ये उज्जैन से संबंधित है। तो इस कथा को जो दोस्तों याद रखिएगा, महाकवि भास जो थे इन्होंने वर्णन किया है। उनका एक नाटक था, उस नाटक का नाम भी आपको याद होना चाहिए, स्वपन वासवदत्तम। ठीक है, ये नाटक का नाम था, उसी में उन्होंने वर्णित किया है। एक्चुअली इस नाटक में ये है ना कि वत्स नरेश जो उद्यन थे और अवंती नरेश की जो पुत्री थी वासवदत्ता उनका नाम था, उनकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और यह जो है जो ये कहानी ये कथा जो है
उस समय की है जब उद्यन जो है उज्जैनी के कारागार में जो कैद थे तब की है, ठीक है। उद्यन और वासवदत्ता की जो है ये प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, छठी शताब्दी में ईसा पूर्व, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य में जो पहले राजा थे ये माने जाते हैं, जो पहला वंश था वो हर्यक वंश माना जाता है, याद रखिएगा हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। बताया गया आपको ये जो मगध साम्राज्य पूरा बताया गया, पढ़ाया गया, उसमें ये सब बताया गया आपको। ये वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे होगा प्राचीन भारत का इतिहास या क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें जो है सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो दोस्तों काशी, इसका आंसर जो है काशी है। तो उस समय जो है काशी जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली ये जो हमारा राज्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा था? तो इसका आंसर है अयोध्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है लिच्छवी, ठीक है। तो वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र जो है स्थापित किया था, और जो है वैशाली बुद्ध काल का जो है सबसे बड़ा दोस्तों शक्तिशाली गणराज्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, छठी ईसा पूर्व जो शताब्दी थी उसमें विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वह वैशाली में, आपको मालूम पड़ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो ये वाला आंसर सही है, चेतक लिच्छवी। जो राजा चेतक थे वो लिच्छवी गणराज्य के जो है राजा थे। और ये भी आपको मालूम होगा अगर मगध साम्राज्य आपने पढ़ा हुआ है, तो जो ये राजा चेतक के थे इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था चेलना, ठीक है। उनका जो विवाह हुआ था मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो 16 महाजनपद हैं उनके विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जो है सूचना हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आंसर मालूम हो गया, 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इस तरीके से भी आपको ये पूछ सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। बस अच्छे से समझ लीजिएगा, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछिए आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? तो इसका आंसर है अहिच्छत्र में, ठीक है। तो याद रखिए अगर उत्तरी पांचाल की राजधानी तो ये अहिच्छत्र पूछ हो जाएगा। अगर दक्षिणी पांचाल की राजधानी पूछे, याद रखिएगा दक्षिणी पांचाल की राजधानी पूछे, वो दोस्तों कांपिल्य हो जाएगा, ठीक है, कांपिल्य हो जाएगा। कांपिल्य जो है वो दक्षिणी पांचाल की राजधानी है, और उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र हो जाएगा। इनमें देखिए हस्तिनापुर और जो इंद्रप्रस्थ है ना ये कुरु की राजधानी थे, और जबकि जो मथुरा है वो शूरसेन की राजधानी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो बता ही दिया, शूरसेना की राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों चंपा जो है अंग की राजधानी थी, जो अंग जो है ये 16 महाजनपदों में एक था, इसकी राजधानी जो है वो चंपा थी। और आप पूछेंगे ये सर ये एक्चुअली अंग कहाँ है? दोस्तों ये जो उत्तरी बिहार के जो वर्तमान जो भागलपुर है, आज का जो भागलपुर है, और मुंगेर के जो जिले हैं ये सब आते थे अंग महाजनपद में, ठीक है, और उनकी राजधानी जो है चंपा थी। और महाभारत और पुराणों में जो है चंपा का जो प्राचीन नाम जो है मालिनी जो प्राप्त होता है, याद रखिएगा, चंपा का जो पुराना नाम है महाभारत और पुराणों में मालिनी मिलता है, ठीक है, मालिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी? तो वो चेदी की राजधानी थी, ठीक है, चेदी की। ये याद रखिए दोस्तों, ये शुक्तिमती है ये नाम जो है महाभारत में उल्लेखित है, ठीक है, जबकि जो चेदी की जो राजधानी को जो कहा जाता था वो सोथीवती कहा जाता था, ठीक है, सोथीवती कहा जाता था, मगर उसी को जो है महाभारत में शुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो शुक्तिमती यहाँ पे पूछा जाए, या आपसे सोथीवती पूछा जाए, आंसर वही होगा। और ये आप पूछेंगे ना कि जो चेदी जगह है आज कहाँ पे है, जो दोस्तों आज का बुंदेलखंड है उसके जो आसपास के जो वो हैं वो चेदी महाजनपद में आते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? गोदावरी नदी के जो है तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था?
तो उसका आंसर जो है दोस्तों अशक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अशमक नाम से भी मिल जाएगा, ये जो है जगह अशमक नाम से भी मिल जाएगा, और ये जो है नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। अगर ऐसे भी पूछा जाए तब भी आप बता देंगे। ठीक है, इसकी जानकारी हमें जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय या जैन ग्रंथ जो हमारा भगवती सूत्र है वहाँ से हमको ये सब मालूम पड़ता है। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी भी आपको मालूम होनी चाहिए, जो इसकी राजधानी है वो पैठन। ठीक है, इसको और नाम से जाना जाता है पोटली। ठीक है, और भी इसको नाम से जाना जाता है वो है पोतन। ठीक है, इतने नाम से इसकी राजधानी को जाना जाता है, और जो प्राचीनतम नाम था इसको प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिष्ठान। ठीक है, जो भी मिले आप समझ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी आप सभी को मालूम ही होनी चाहिए, राजगृह या गृहव्रज थी। ठीक है दोस्तों, मगध जो साम्राज्य बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इनमें एक्चुअली थोड़ा सा इसके पहले वंश को लेकर कहीं हर्यक वंश आपको मिलेगा, जैसे बौद्ध ग्रंथों के द्वारा जो है आपको मालूम पड़ता है कि हर्यक वंश ने स्टार्ट की थी, मगर पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ पे जो पहले वंश था बृहदर्थ वंश वंश था जो है। इसके जो पहले राजा थे वो राजा बृहदर्थ, ठीक है, राजा बृहदर्थ के जो पुत्र जरासंध थे, जबकि बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो पहले जो राजा है वो बिम्बिसार थे, वो जो कि हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। दोस्तों याद रखिएगा, राजगृह या गिरिव्रत जो है मगध की पहली राजधानी यही थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रथम राजधानी कौन सी, तो यही थी। और ये राजगृह कहाँ पे है? बिहार में जो है नालंदा जिले में एक प्रसिद्ध शहर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर आपके चार वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।